इनको भोटिया डॉग बोलते हैं। पूरा हाथ सूज गया है, देखो स्वेलिंग आ गई है दोनों हाथों में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? दिस एडवेंचर में वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द माउंटेन्स वाइब। तो गाइस, कल शाम को लगभग 7 बजे हम चौपटा पहुंच गए थे। काफी अंधेरा हो गया था तो कुछ खास दिखाने के लिए था नहीं, और चौपटा काफी छोटा सा विलेज है तो इसलिए हम डायरेक्ट अपने होम स्टे में आ गए थे। और थक इतने चुके थे कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। ऊपर से यहाँ की थोड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि सोलर सिस्टम से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो रात के 10 बजे तक ही अलाउ किया था। और सारे हमारे सेल फोन जो थे वो डिस्चार्ज हो चुके थे, और रूम में केवल एक ही सॉकेट था जिसमें हम 6 लोग थे, तो एडजस्ट कर करके हम बार बार फोन अपना चार्ज कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने कल ब्लॉग शूट नहीं करा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, तो गुड मॉर्निंग गाइस, और अब शुरू करते हैं ब्लॉग। अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं तुंगनाथ का। तो तुंगनाथ यहाँ से 4 किलोमीटर है, और वहाँ से 2 किलोमीटर है चंद्रशिला पीक। तो आज हम ये कवर करेंगे। बस हमारे साथी, हमारे दोस्त भैया लोग सारे रेडी हो रहे हैं, और पानी इतना ठंडा हो रहा है ना, कल मैंने हाथ धोने की गलती कर दी तो मेरे 1 घंटे तक हाथ नॉर्मल नहीं हुए, अभी भी हाथ बाहर निकाले नहीं जा रहे हैं। और आप मेरे पीछे का व्यू तो देख ही रहे हो, क्या ऑसम व्यू है, लुक एट द व्यू। दो मेंबर तो आ गए हैं रेडी होके, मैं हो गया हूँ रेडी। आशीष भैया, कैसी ठंड हो रही है भाई? मतलब इतनी गर्म है कि मैं हाथ जम रहे हैं बिल्कुल। बिटवीन -2 -3 डिग्री सेल्सियस भाई साहब, हाथ जेब में से निकाले नहीं जा रहे, कैसे ब्लॉग बना रहा हूँ मुझे पता है। लेकिन सारे का सारा बिल्कुल लेयर बिल्कुल पूरी ऊपर, ये ऑलमोस्ट चलो रेडी हो गए भैया, चलो चलते हैं अभी। और तो हमारा वो रूम है और सामने खड़े हैं गोलू भैया। अब हम लोग तैयार हैं ट्रैक के लिए, बस निकल रहे हैं। गाइस तो बने रहिए, काफी मजा आने वाला है। रेडी? इसके अंदर, ओह वाव यार। तो गाइस, यहाँ के लोकल डॉग जो जिनको भोटिया डॉग बोलते हैं, पेर मतलब इनके सामने रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड सब फेल है। कितने मौसम है, लेकिन ये लोग यहीं पे सरवाइव कर पाते हैं। तो गाइज, अभी हम चल रहे हैं अपने रूम की तरफ और निकल रहे हैं ट्रैक के लिए, और मिलवाते हैं आपसे। फिलहाल जाएंगे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ सॉरी, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय वाय पियेंगे। गोलू भैया रेडी है एकदम, जैकेट वैकेट मस्त डाल के। ये था हमारा गाइज रूम, अब उजाला हो गया इसमें। यहाँ 2 बेड में हम 3 लोग सोए थे, 2 बेड में 1 लोग सोए थे, और ये भैया 1 बेड में सोए थे। ठीक है, ये भैया ने हमें ज्वाइन किया है, ये सोलो ट्रैकिंग करते हैं भैया। ये है कमल भैया। तो गाइज, ये है चौपटा। हमको जो रूम का फेयर पड़ा था, रूम के चार्जेस थे हमारे, 6 लोगों के लिए एक रूम था हमारा, 1500 रुपये का रूम था। और यहाँ पानी अगर गर्म चाहिए आपको तो 80 रुपये बाल्टी मिलेगी, एक बाल्टी का चार्ज 80 रुपये गर्म पानी का। और ठंडे पानी से तो सोच लो आप क्या होगा। अभी हम नीचे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये है गोभी का पराठा और सोयाबीन आलू की सब्जी है। अब बस नाश्ता करते हैं, फिर ट्रैक के लिए निकलते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और बस अब निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ से बस अब एंटर करेंगे हम लोग। तो गाइस, ट्रैक हो चुका है स्टार्ट, और ये यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, और यहाँ से इनसे परमिशन लेके जानी पड़ेगी। कमल को आगे कर दे। इनके एक्सप्रेशन मुझे अच्छे नहीं लगे। ज्यादा कह रहे दूरी बनाए रखो। तो यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुछ चार्जेस है, 20-25 रुपए शायद पर्ची कटती है यहाँ पे अंदर जाने के लिए। आगा।
जा रही है। काफी ब्यूटीफुल ट्रैक है ये। अब देखते हैं हम कितनी देर में थकते हैं। अभी तक तो सही है, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, बस थोड़ा चढ़ाई है। तो भैया अभी सब ठीक है ना? कुछ थकावट हाँ, ठंड तो बहुत है क्योंकि हाथ पूरे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, सुन्न हो गए हैं। ग्लव्स व्लव्स हमने नहीं लाए, हमको थोड़ा ग्लव्स जरूर ले लेने चाहिए था। हाँ ग्लव्स ले लेने चाहिए थे, हाथ सुन्न हो गए पूरे। और जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर और कम होते जा रहा है। भैया आपका पहला ट्रैक है? बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस क्या है, मतलब कैसा लगा? इतनी खुशी और इतना एक्साइटमेंट है, मेरे पास वर्ड नहीं है। उत्तराखंड है ना सच में? बिल्कुल है ना, बिल्कुल उत्तराखंड। हैट्स ऑफ इसके लिए, हैव वन ऑन अर्थ। और सभी को स्पेशली प्रशांत को थैंक यू, माय बेस्ट फ्रेंड जिसने मेरे को इतना फोर्स किया। भैया का प्लान कैंसिल हो गया था एंड टाइम पे, मेरी आने की इच्छा भी नहीं थी और थोड़ा ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, मेरे को मोटिवेट किया। गुड गुड ठीक। इसके लिए मैं स्पेशल थैंक बोलना चाहूंगा मेरे फ्रेंड प्रशांत को, हमारे साथ और पूरे विकास भैया जो कि आए हैं गुड़गांव से, हमारा हमें एक पड़ोसी, ये हमें ऊखी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने हमें ऊखी मठ से ज्वाइन किया है। फाइनल प्रॉमिस किया है कि जब कानपुर आएंगे और मैं जब लखनऊ रहूंगा तो हम एक पार्टी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ग्रैंड, बिल्कुल। तो तो चलो यार, सफर के मजे लेने के साथ साथ मैं इस मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी भी देना चाहूंगा। तो गाइस, तुंगनाथ टेंपल उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन के रुद्रप्रयाग जिले में आता है, जिसकी हाइट 3460 मीटर की है। तो यार ये मंदिर कई हजार वर्ष पुराना है और यहाँ भगवान शिव के पंच केदारों में से एक रूप की पूजा होती है जो की तृतीय केदार में आते हैं। और मेरा यहाँ आने का काफ़ी टाइम से मन था तो आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चलो ये बात साइड करते हैं और मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे आगे, तब तक आप सफ़र के मज़े लीजिए, मिलते हैं फिर आपसे। ये इसे दो बिस्कुट खिलाया भी हमारे साथ पूरे रास्ते चलेगा। बर्फ जमी हुई है, काफी फिसल रही है, स्किड कर रही है और यह साइड का व्यू। इस साइड साइड में ऐसी रेलिंग लगी हुई है जहाँ डायरेक्ट खाई है। अब चढ़ाई ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लंबा ट्रैक नहीं है बट थोड़ा पहाड़ों की वजह से और चढ़ाई ज़्यादा है इसलिए थोड़ा लगता है, वरना डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है। टोटल चंद्रशिला का 6 किलोमीटर का ट्रैक है, देखते हैं अब कितना टाइम लगता है जाने में, आने में बहुत कम लगेगा। आई थिंक हम लोग 1 किलोमीटर भी रीच नहीं कर पाएंगे। तो गाइस ये रूट ऐसे जा रहा है, ऊपर पता नहीं अभी कहाँ जाना, काफ़ी स्लिप कर रहा है क्योंकि पूरे रूट में ऐसे बर्फ की लेयर जमी हुई है ऐसी, तो ग्रिप अच्छी होनी चाहिए शूज की। अभी स्नोफॉल तो नहीं हुआ है बट अगर एक बार भी बारिश हो गई तो तुरंत स्नोफॉल हो जाएगा और बहुत सही होगा। ये सही लग रहा है, व्हाइट व्हाइट हल्का सा, वाओ पूरा व्हाइट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बर्फी है लेयर हल्की हल्की। तो गाइस ये मेरी उंगलियां सारी, पूरा हाथ सूज गया, ये देखो स्वेलिंग आ गई दोनों हाथों में, ये देखो इतने ज्यादा ठंड है पूरे की जेब में हाथ नहीं डाल पा रहा हूँ, साथ साथ व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। तो गाइस वीडियो में शायद पता चल रहा हो नहीं चल रहा हो लेकिन सामने एक मोनाल है जिसे उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी कहते हैं, काफी प्यारा पक्षी है वो। वीडियो में शायद आपको नहीं दिख रहा है क्लियर, ये देखिए दो है, वो एक कपल है और उसके बाद दिखा दे, ये हमारी आंखों से ही दिख रहा है। तो काफी अच्छा व्यू है यहाँ का, ओ ये देखिए वादियाँ यहाँ की, ये हसी वादियाँ, ओए सफर के मजे, सफर के मजे। यहाँ थोड़ा माहौल गर्म हो गया है, ज्यादा ठंडा था तो अब मारो मैं पत्थर, पकड़ो यहाँ थोड़ी लड़ाई हो गई है आप, ये उठाइए कृपया अपने अपने सामान, कुछ भी यहाँ रहने ना पाए समथिंग। अभी हम
दो किलोमीटर का ट्रैक कर चुके होंगे कवर, और अब धूप निकल आ रही है, उधर से धूप निकल रही है। अब मौसम भी थोड़ा थोड़ा सही हो जाएगा, ठंड भी कम हो जाएगी, और ये जितनी भी बर्फ की लेयर है सब आते समय शायद गायब हो जाए। अभी हमें ऐसे करके वो जा रहा है, रेलिंग लगी हुई है, उतना तो जाना ही जाना है। ये जो स्पोर्ट पे लिखा हुआ है इसको सीरियसली लें, इस बात पे जरूर वो करें, प्रकृति का आनंद लें, प्रकृति को सौम्य रखें और स्वच्छ सुंदर रखने में सहयोग करें। वो है तुंगनाथ मंदिर, ये छोटा सा वो जो पीक है वो है चंद्रशिला पीक। ओ भाई यहाँ पे है शाइन बहुत। तो अभी मेरे सामने तुंगनाथ मंदिर दिख रहा है, अभी है थोड़ा दूर और बस अब नजर आने लगा है। अपना अपना अभी तक का एक्सपीरियंस शेयर करो कुछ दो शब्दों में, ज्यादा नहीं छोटे दो शब्दों में कहेंगे, दो शब्दों में मतलब तीन चार कह सकते हैं। हम तो रास्तों के मजे लिए जा रहे हैं, एक्सट्रीम हाइट की पर अमेजिंग ट्रैक, चलते रहो। कुछ कहना चाहेंगे? मेरा दिल कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं लूंगा। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, स्पेशली इन सब लोगों के साथ। तो चलते हैं, ऑसम, या लाइक दिस प्रूफ बेहतरीन। थोड़ा सा सांस फूलने लगी है लेकिन बहुत मजा आ रहा है, बहुत। अगर थोड़ा इजी ट्रैक हो जाएगा तो क्या मजा, अरे मजा इसी में बात तो सही माउंटेन वाइब्स। ये चीज तो मैं, ये पॉइंट सही है कि अगर इजी हो जाएगा तो फिर चलने का मजा ही नहीं आएगा इन सब का। ये सब जेल के तो चंद्रशिला पीक पर पहुंचने का मजा है, अभी प्लेन में चलेंगे तो क्या फिर मजा ट्रैक करने का। और इससे काफी बड़े बड़े ट्रैक अब आगे करेंगे ऐसे हम लोग, और ट्रैक और पहाड़ों के नजारे देखने और ट्रैवल ब्लॉग्स देखने अच्छे अच्छे। तो द माउंटेन्स वाइब पर सब्सक्राइब करिए, और शेयर कौन करेगा, तुम्हारा चाचा। बिहारी आदमी भी आए हैं भाई, वैसे सीरियसली सब्सक्राइब यार, बहुत मेहनत कर रहा है लौंडा, आराम से। तो यार इन बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच ट्रैक करने की जो फीलिंग है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अगर आपके साथ ऐसा मजेदार ग्रुप हो तो सफर का मजा ही डबल हो जाता है, और सफर कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और ये चार दिन की ट्रिप काफी मेमोरेबल होने वाली है मेरे लिए, साथ ही साथ सूरज दादा की ये जो चमकती हुई किरणें इन पहाड़ों पे पड़ रही हैं, तो ये नजारा वाकई अद्भुत है और देखने लायक है। तो गाइस चलो चलते हैं आगे की तरफ, करते हैं सफर को पूरा, और गाइस फुल एंजॉय करिए इन व्यूज को, मैं काफी अच्छे व्यूज और दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में, तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, काफी मजा आने वाला है। चमेली ने हमारा रास्ता थोड़ा क्लियर कर दिया, रास्ते में बंदर बैठे थे वो तुरंत भाग के गई। अरे अरे बस आ जा, कुछ ही देर में हम तुंगनाथ महादेव टेम्पल पहुंच जाएंगे। बस हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि तुंगनाथ महादेव के कपाट बहुत पहले बंद हो चुके हैं, और ये ट्रैक 12 महीने खुला रहता है, इसलिए यहाँ कभी भी आप ट्रैकिंग के लिए आ सकते हैं। भैया हम भी उत्तराखंड के ही हैं, आगे चमेलिया ले चमेली, अब बता बस, गो चमेली गो, अब आना अब बता, वो पीछे से आया चमेली को डरा दे। तो गाइस एक बार व्यू देखो यार फिर से, गाइस ये देखो यार, जन्नत आकर है ना यहीं पे। ये मजे ले गुस्से में, बेटा टहनी टूटी ना। तो गाइस ट्रैक करते करते थोड़ा रास्ते में एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा ऐसे मंदिर आया हुआ है, इसके भी दर्शन करिए जरूर आप यहाँ आके। अब ये जो फील्ड देख रहे हो इसको बुग्याल बोला जाता है, अभी थोड़ी घास सूखी हुई है इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट जब मानसून रहता है बारिश वारिश होती है तो एकदम ये हरा हरा रहता है, बहुत चमकता है और बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा लगता है। बोलो तुंगनाथ बाबा की जय, केदारनाथ धाम की जय, चिरी मेरी धूम धड़ाका। रेस्ट कर रही है यहाँ पे लग रहा है, हालत इसकी थकान हो गई, इसने हमें पूरा किराया 4 मेहनत करवा दी, इसने हमें पूरा रास्ता दिखाया, अब बेचारी रेस्ट कर रही है, सोएगी चलेगी, सोएगी चलेगी। मैं तो लोकल की हूँ, रोज दर्शन कर लेती हूँ। चल आजा, चल खड़ी हो, आजा बिस्किट खा ले,
तीन मन में बोला ना कौन सा अलग लाओगे, गुड्डे या पार्ले जी। आओ चलो आओ, चलो चलो आओ आओ। ये गाइस ये रास्ते में मंदिर से थोड़ा सा पहले ऐसे दुकानें हैं जो अभी तो ऑफ सीजन है, इन्हें रिपेयर करके और यहाँ चाय बाय खाने की खाने का अरेंजमेंट होता है ना भैया, ये सब खुल जाता है, यहाँ पे लोग रह भी सकते हैं। हाँ, अगर रुकना है आपको तो रुक भी सकते हैं। जून जुलाई के सीजन में जब यहाँ पे बहुत हरियाली होगी। हाँ? अब बस ये जो रूट है अभी यहाँ से अब घूम के जाएंगे ऊपर, लास्ट तुंगनाथ मंदिर आ जाएगा। तो गाइज अभी हम तुंगनाथ महादेव टेम्पल पहुंच चुके हैं और अभी आपको मंदिर दिखाएंगे। फाइनली यार हम तुंगनाथ टेम्पल पहुंच चुके हैं और तुंगनाथ टेम्पल वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल है। तो इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था जो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, क्योंकि भगवान शिव कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण नाराज थे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ विवाह से पहले तपस्या भी की। तो गाइज ये थी तुंगनाथ टेम्पल की हिस्ट्री और अब चलते हैं चंद्रशिला पीक की तरफ जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखेंगे आपको। तो चलते हैं फटाफट। कपाट बंद है और इसलिए ज़्यादा रुक नहीं पाए और ना रुकने दे रहे थे वो यहाँ पर, और इसलिए ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाया। अब हम निकल रहे हैं चंद्रशिला पीक की तरफ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अच्छे से दिखाएंगे। और एक बार ये देखिए व्यू कितना हाई मस्त। ये है चंद्रशिला पीक का रूट। अब निकल रहे हैं हम चंद्रशिला पीक जो कि है 2 किलोमीटर और आप ट्रेन यहाँ से ऐसे घूम के ऊपर वो जान रहे देख रहे वहाँ जाना है हमको। यहाँ पर थोड़ा संभल कर चलना क्योंकि साइड में बहुत गहरी खाई है और रूट काफ़ी पतला है। ये हम शॉर्टकट ले रहे हैं यहाँ से। मीट अवर न्यू पार्टनर मिस्टर रघुवीर, चमेली पीछे छूट चुकी है, चमेली के साथ माता का अभी तुंगनाथ से चंद्रशिला तक का साथ देगा। काफी ऊपर आ चुके हम ट्रैक करते हुए, कुछ बोलने का तो नहीं मन कर रहा है, व्यू इतना प्यारा आ रहा है ना क्या बोलूं इसके बारे में। बाकी हम रुकते रुकते आराम से जा रहे हैं और पहाड़ों का मज़ा ले रहे हैं, नेचर का मज़ा ले रहे हैं। और कितनी ऊंचाई पे वो छोटा सा मंदिर जो दिख रहा है वो है चंद्रशिला पीक। ये कितना कर रहा होगा ये, इधर से ज़्यादा बेटर है, ये जो चढ़ाई है ना बड़ी गंदी है। बहुत ऊपर है चंद्रशिला पीक, यहाँ से नज़र आ रही है, यहाँ से दिख रही है पर दिख रहा है कि बहुत दूर है अभी, लगभग जाने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। आराम आराम से जाएंगे हम। वो देखिए वो पीछे शायद नज़र भी नहीं आ रही होगी आप लोगों को, सबसे जो ऊपर पीक है वो चंद्रशिला पीक ही है। बहुत ही ख़तरनाक चढ़ाई है लेकिन उसके बाद जो ऊपर से व्यू दिखेगा। तो फाइनली हम चंद्रशिला पीक पे आ चुके हैं और अब नेक्स्ट व्यू चंद्रशिला है और मैं लीड कर रहा हूँ। हाँ इस समय गोलू भैया लीड कर रहे हैं और आगे का व्यू होगा चंद्रशिला पीक का। तो ये है चंद्रशिला पीक। चारों तरफ फॉग लगा हुआ है, कुछ नहीं विजिबल है। तो यार तुंगनाथ से 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पीक। चंद्रशिला पीक समुद्र तल से 4000 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है
और इस पीक को मून रॉक यानी चंद्रमा की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ ये ट्रैक उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। यहाँ पूरे साल देश के अलग अलग जगहों से ट्रैकर्स ट्रैकिंग के लिए आते हैं और अपना ट्रैकिंग समिट पूरा करते हैं। तो आज हम भी आए हैं यहाँ पर, बाकी आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। मंदिर के पीछे का व्यू, वाह, ये देखिए वो दूसरी साइड में, ये देखो बादल हट रहा है, क्या ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है यहाँ से, वाह, बहुत हाइट पे है ये पीक, वाह यार मजा आ गया। ओहो बहुत लोग आ रखे हैं फिर भी यहाँ पर। तो फाइनली हम चंद्रशिला पीक पे पहुँच चुके हैं और कसम से गाइस इतना अच्छा लग रहा है। व्यू थोड़ा विजिबल नहीं है क्योंकि फॉग आ गया है, बाकी कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोगों ने ऐसे पत्थरों के बना रखे हैं शिला टाइप, बहुत अमेजिंग व्यू है। अब बस थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं ना भैया, आके मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने केदारकंठ के ट्रैक के लिए सोचा है कि अगर मैं ये कर पाया तभी जाऊंगा, तो मैं ये कर पाया तो मैं भी जाऊंगा केदारकंठ। मैं तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का ट्रैक ऑलरेडी किया हुआ, ये काफी टाइम पहले से सोच रखा था इस ट्रैक के बारे में, आज सक्सेसफुल हो गया। बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और व्यू एंजॉय कर रहे हैं, और बस बैठेंगे थोड़ी देर और कुछ है नहीं, यहाँ से निकलेंगे अब डायरेक्ट शायद हम ऊखीमठ या रुद्रप्रयाग जाएंगे, फिर उसके आगे क्या देखते हैं कहाँ जाएं। और बस हो गया चंद्रशिला पीक भी, काफ़ी टाइम से सोचा था यहाँ आने का, फाइनली ये ट्रैक सक्सेसफुल हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है इस समय, वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना, आप ये देखो पूरा व्यू दिख रहा है। ये लास्ट फुटेज है चंद्रशिला पीक की और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। वाह ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, हाथ पूरे सूज चुके हैं, उंगलियाँ सारी सुन्न हो गए हाथ, बहुत मज़ा आया। तो गाइज इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं, और प्लीज़ व्लॉग लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये व्लॉग, और सब्सक्राइब करिए द माउंटेंस वाइब को, मज़ा आ गया, फील है यहाँ आना, फील है बस। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। तो गाइज अभी हम चौपता चंद्रशिला ट्रैक करके ऊखीमठ आ गए हैं, अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया है, आज रात यही रुकेंगे और सुबह हम जाएंगे रुद्रप्रयाग। तो अभी हम जा रहे हैं ओमकालेश्वर मंदिर, केदारनाथ बाबा के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो वो इस मंदिर में आके इनको विराजित करते हैं, जब कपाट बंद हो जाते हैं तो वो इस मंदिर में लाया जाता है उनको, तो वहीं के दर्शन करने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो हम रुके हुए हैं होटल देवभूमि में, आज रात ही स्टे करने वाले, ऊखीमठ की खाली खाली सड़के, इस समय टाइम हो रहा है 6:30 बजे और मार्केट लगभग शांत हो गई है बिल्कुल, क्या मस्त व्यू आ रहा है एकदम। यह है पहाड़ों का रात का व्यू, एक तो फोटो ले लो, मेरे पैर में चलता हूं तो मैं आवाज़। ये देखिए अंधेरा हो रहा है, कितनी ढलान है यहाँ पर, अंधेरा हो रहा है कुछ खास दिख नहीं रहा, बट एक बार साइड का व्यू फिर से देखो, ये यही मंदिर है जहाँ केदारनाथ बाबा कपाट बंद होने के बाद यहाँ आते हैं, तो यही दर्शन करने और आरती देखने हम लोग आए हैं।
हो गई आरती? हो गई आरती। तो आरती 7:30 बजे होती है ना? 7 बजे होती है ना? अभी 7 बजे तो नहीं बजे? 7 बजे। 7 नहीं बजे अभी तो 7:45 है। 6 बजे आरती होता है ना? 5 बजे से 6 बजे। अच्छा, हो गई आरती भी? हो गई। दर्शन कर सकते हैं अभी? दर्शन तो बाहर ही होगा। बाहर ही से कर सकते हैं? अंदर से नहीं होगा दर्शन? अंदर कपाट बंद हो गए। तो गाइस हम थोड़े लेट हो गए हैं और आरती हो गई है, अब बाहर से ही दर्शन हो पाएंगे। बाहर से कर सकते हैं दर्शन? ऐसे जाके देख ही सकते हैं? नहीं, ऐसे जाके देख लेंगे। अच्छा, बाहर से देख लो। ऐसे बाहर से देख लेना, बाहर से देखने को। हाँ ठीक है, कैमरा बंद कर। तो गाइस अभी हमारे साथ बहुत अच्छी बात हुई है, सबसे बेस्ट ट्रिप की। अभी हम लोग आए थे यहाँ आरती देखने और हमको किसी ने गलत टाइम बता दिया, तो हम लोगों ने आरती मिस कर दी है। और अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं था, तो अंदर गए थे अभी हम दर्शन करने। बोले थे बाहर से ही दर्शन कर लेंगे, लेकिन पंडित जी ने हमको देखा और पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कपाट खोल दिए थे। कपाट जबकि बंद हो गए थे, उन्होंने कपाट खोल दिए और हमें दर्शन करने दिए बहुत अच्छे से। और पंच केदारों में से एक मठ महेश्वर जी हैं, उनके भी दर्शन हो गए हमें, और केदारनाथ बाबा के भी दर्शन हो गए। बहुत मजा आया, तो बहुत अच्छे से बताया उन्होंने यार किसी के बारे में, और ट्रिप पूरी सफल हो गई है। सफल हो गई एकदम, है ना। आज तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन तो नहीं हुए, बट मठ महेश्वर महाराज और केदार बाबा के दर्शन हो गए, तो मतलब बेस्ट है ये सब। तो बाहर से मंदिर दिखाता हूँ, बाकी अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसलिए जो मना है तो मना है, इसलिए कैमरा ले भी नहीं गए हम लोग। जी बाहर से मंदिर ऐसा दिखता है, काफी अच्छा प्यारा सजा रखा है। ये देखिए जहाँ हम जाते हैं ये हमसे इतना प्यार करते हैं, हमें मिल ही जाते हैं। ये देखो ये अभी डिनर करना है, डिनर करके होटल में जाके बस रेस्ट करेंगे और सुबह निकलेंगे रुद्रप्रयाग के लिए, फिर वहां से देखते हैं क्या होता है। कि व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मैंने एंड तो चंद्रशिला पीक पे ही कर दिया था, लेकिन ये दिखाना बहुत जरूरी था, तो इसलिए थोड़ी सी क्लिप और ऐड हो गई है, अब देख लेना।